रखिएगा और मेरा वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलने। अब तो हमारा वीडियो देखते हो पर कभी कभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो चलिए जल्दी रेसिपी को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने बना लिया एकदम विंटर स्पेशल सर्दों की मौसम की स्पेशल पालक वाली पराठा। और कितनी अच्छी तरीके से, कितनी आसान तरीके से इसका देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज वेट कर रहा है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उपासना मैजिक वुमन चैनल एंड उपासना की मैजिक वुमन चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने लेके आ गई एक विंटर सर्दों की मौसम की रेसिपी। जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है और इस सर्दी का मौसम में बहुत सारा फ्रेश वेजिटेबल्स हमारे खेतों में उगता है, जैसे लाल लाल टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, सूखी पपड़ी और उसके साथ साथ पत्तेदार सब्जी। पत्तेदार सब्जी में जो वाला पत्तेदार सब्जी हमारे सबका फेवरेट है वो है पालक एंड मेथी। तो मेथी का कुछ रेसिपी अगले वाला विंटर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। पालक का बहुत सारा रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ सामने शेयर किया, जैसे पालक पूरी, आलू पालक, पालक वाली चिकन, पालक वाली पनीर, पालक वाली छोले, बहुत सारा रेसिपी। पर आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम बच्चे लोगों का फेवरेट, नहीं बच्चे लोगों का फेवरेट पालक नहीं, बच्चे लोगों का फेवरेट है पराठा। पर अगर आप पराठा के अंदर थोड़ा सा पालक ठूस दिया जाए तो बन जाएगा बच्चे लोगों को भी फेवरेट, आप लोगों भी चिंता मुक्त। जैसे बच्चे सब्जी भी खा रहा है उसके साथ साथ बच्चे टिफिन भी जरूर खाएगा। तो पालक वाली पराठा बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता है। पालक वाली पराठा बनाने के लिए हमें पहले ही लगेगा मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर। इधर देखिए मैंने मैदा ले लिया है जिसको आप बोलते हैं ऑल पर्पज फ्लावर, और उसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, नमक, उसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, और उसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे एकदम बच्चे लोगों को जो पसंद नहीं आता है वो है पालक। तो सारे पालक को मैंने डाल दिया है। इधर मैंने 150 ग्राम की बराबर पालक का प्यूरी लिया था, तो पालक का प्यूरी तो मैंने ले लिया है। तो इसकी मदद से हम डो को पकाएंगे, पर अगर ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, पर मुझे लगता है कि इसके अंदर पानी नहीं लगेगा, सिर्फ पालक की मदद से ये वाला पूरा आटा घुट जाएगा। और आटा घुटने के बाद इससे पराठा बनाना बहुत ही आसान काम होता है। तो चलिए हम डो को बना लेते हैं। डो को बनाना हम सब लोग जानते हैं, फिर भी आप लोगों को एक टिप्स देते हैं। जब तक पालक से ये डो बनेगा तब तक आप इसके अंदर कुछ भी पानी नहीं ऐड कीजिएगा, इससे पालक का टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने देखा कि पालक की मदद से ही पूरा डो अच्छे से बन चुका है। तो अब चलिए इसका डो को अच्छे से बना लेते हैं। और मेरा रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इधर मैंने जो पालक पराठा बनाने वाला है उस पराठा का डो इतनी अच्छे से मैंने बना लिया है, और ये डो बहुत सॉफ्ट भी है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, पूरा ग्रीन कलर को दिखने में यम्मी है। आप क्या करेंगे, डो को तैयार करेंगे। डो को तैयार करने के लिए आप दोनों तरीकों को यूज़ कर सकते हैं। आप तो मैदा देकर इसको डो को बेल सकते हैं, और वाटर दे सॉरी ऑयल से भी इसको आप बेल सकते हैं, पर मैं इसको मैदा से बेलना ही प्रेफर करूँगी। मैदा को कैसे बेलते हैं एक दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब में है जो जिसको पराठा बेलना नहीं आता है, तो मेरा पराठा बनाना देखते शायद उसको आ जाए। तो देखिए पहले हम जो लुइया है, लुइया को ऐसे हम गोल 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 कर लेंगे, और गोल करने के बाद इसको हम ऐसे फ्लावर के अंदर डाइस करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम ज़्यादा फ्लावर इसके अंदर डालेंगे, और डालने के साथ ही हम इसको ऐसे बस बेलना शुरू करेंगे। हल्का सा हाथों की मदद से हम इसको बेलेंगे। अगर आप चाहें तो आप सर्दी के मौसम में ऐसे
पालंग का पेस्ट देके पालंग का पराठा का डो और मेथी का पेस्ट देके मेथी का पराठा का डो भी बना के रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगे कि कच्चा पालंग की बदबू आ रही है, आपको वाला बदबू अच्छा नहीं लगेगा कच्चा वाला, तो अगर आप चाहे तो आप क्या कर सकती है, पालंग को थोड़ा सा, जैसे भी मैंने इसको बॉईल कर लिया है, फिर भी अगर आप चाहे तो पालंग को थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई करके अगर आप पालंग को थोड़ा सा पेस्ट बना ले तो और भी पराठा स्वादिष्ट होगा। पर मैं एकदम हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए बन गया है हमारा एक पालंग का पराठा। ऐसे ही धीरे धीरे हम बाकी सारा पालंग का पराठा को भी चलिए बना लेते हैं, उसके बाद आपको फ्राई दिखाते हैं। पराठा को इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा पराठा डालने से पहले बस ऐसे कुछ कर ले, सेक लेते हैं, उसके बाद पराठे के ऊपर तेल डालते हैं। पर ऐसा कहा जाता है, पर ऐसा मैंने भी बहुत बाद में जाना, तो ये पराठे अगर अच्छे से फ्राई ना हो, अगर रोटी खाओ तो रोटी, अगर पराठा खाओ तो पूरा अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करके खाना है। अगर पराठा के अंदर अच्छे से ऑयल नहीं गया और पराठा अच्छे से फूला नहीं तो क्या होगा, पराठा का टेस्ट भी खराब तो होगा ही, उसके साथ साथ पराठे से पेट में गैस होगा। इसीलिए पराठा को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, एकदम पलट पलट के जैसे हम पराठा को फ्राई करते हैं। देखिए कितना ग्रीन कलर का पराठा हम फ्राई कर रहे हैं। दूसरा वाला पराठा तैयार हो रहा है, तेल को अच्छे से इसके अंदर लाने दे। ऐसे ही हम दूसरा वाला पराठा को तैयार करेंगे। थोड़ा सा इधर फट गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम इसको पलट देंगे, जैसे बोथ साइड में ऑयल आए। बस सेक रहा है, इसको मैंने पलट भी दिया। वाह, हमारे पराठा भी कितनी अच्छे से तैयार हो रहा है। अब चलिए ऐसे ऐसे पराठा को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को पराठा का सर्विंग दिखाते हैं। देखिए हमारा पराठा कितनी अच्छे से तैयार हो गया है और ये बहुत ही जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है। जैसे मैंने बहुत ही पतला लिया है विदाउट तेल, तो पराठा अच्छा।
पराठा एकदम ग्रीन कलर का अच्छे से तैयार हो गया है। अभी इस कंडीशन में दूसरे एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरा साथ में रहिएगा, ठीक से रहिएगा, खुश रहिएगा, सेफ रहिएगा। बाय। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे विद फैमिली। वी विल विन द बैटल।